नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व विरासत स्थल की एक परिचय सीरीज लाने का मैंने सोचा है और उसी के रिकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। विश्व विरासत स्थल जितने भी हमारे भारत के उनके एक परिचय सीरीज मैं बना रहा हूँ, जिसमें हम हर एक साइट के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन, उसकी खासियत क्या क्या है वो उसके बारे में जानेंगे। हर साइट पर एक वीडियो रहेगा, जिसमें इस वीडियो में हम उसके जो टॉपिक है, जिन साइट से, जो वर्ल्ड हेरिटेज की जो साइटें हैं, उनके नाम इस वीडियो में आपको बताऊंगा और डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक वीडियो या एक एक जो स्थल रहेगा, एक एक साइट से रहेगी, उसके बारे में परिचय सीरीज बनाएंगे, जिसमें एक एक वीडियो में एक एक स्थल को डिस्क्रिप्शन और उसका पूरा परिचय देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गोपाला और स्वागत है आपका गोपाला स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हर बार की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। बात करते हैं हमारे टॉपिक की। टॉपिक है हमारा विश्व विरासत स्थल और उनकी जो एक सीरीज स्टार्ट हम करेंगे, जिसका पहला वीडियो यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो ही आप मान सकते हैं। इसमें जो आपको रेड रेड दिख रहे हैं, ये हमारी मेन साइट्स है, जिनको सांस्कृतिक साइट्स कहते हैं। जो ग्रीन आपको दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं जो ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, ये हमारी प्राकृतिक विश्व धरोहर है, जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में पहले आपको दिखा देता हूँ मेन साइट्स में। तो जो परिचय सीरीज रहेगी हमारी, आगरा फोर्ट से स्टार्ट होगी। आगरा फोर्ट जो 1983 में सम्मिलित हुआ था। उसके बाद अजंता की गुफाएं देखेंगे, उसके बाद सांची में बौद्ध स्मारक और चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्व जो पार्क है उसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक के बाद एक ऐसे ही वीडियो आएंगे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, विक्टोरिया टर्मिनल्स एंड चर्च और गोवा के कॉन्वेंट्स, एलिफेंटा गुफाएं, एलोरा गुफाएं, फतेहपुर सीकरी, महान चोला मंदिर के बारे में डिस्कस करेंगे, हम्पी में स्मारकों के समूह, महाबलीपुरम के स्मारक के जो समूह हैं वो हमारी वीडियो की सीरीज़ में सम्मिलित होंगे। इसके अलावा बात करें तो भटकल में स्मारकों के समूह, राजस्थान के पहाड़ी किले इसमें सम्मिलित करेंगे, हुमायूं का मकबरा हमारे वीडियो सीरीज़ में सम्मिलित होगा। इसके अलावा स्मारकों में खजुराहो के स्मारक भी शामिल किए जाएंगे, बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर, भारत की पर्वतीय रेल जो विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है, हम उसके भी उसका भी एक परिचय वीडियो बनाएंगे। उसके बाद कुतुब मीनार को सम्मिलित करेंगे, उसके स्मारक दिल्ली जो 1993 में सम्मिलित किया गया, रानी की वाव पाटन गुजरात जो 2014 में सम्मिलित हुई उसके बारे में बात करेंगे, लाल किला परिसर 2007 में, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स, सूर्य मंदिर, कोणार्क का जो मंदिर है, ताजमहल और जंतर मंतर जयपुर, ये जो सारी साइट्स हैं, ये कल्चरल है, जो रेड डॉट्स में आपको दिखाई दे रही है, ये सारी साइट्स है। और मैं आपको लोकेशन भी यहाँ पर आपको शेयर करूँगा कि किस स्मारक की या हेरिटेज साइट्स की लोकेशन इंडिया के मैप में कहाँ पर है, और उसके बाद ही हम आगे की डिस्कस करेंगे। ये हमारी सांस्कृतिक साइट के अलावा प्राकृतिक साइट्स भी हमारी यहाँ पर है, उनके बारे में अगर मैं बताऊँ तो हम यहाँ पर अब जो ग्रीन डॉट देख रहे हैं, ग्रीन डॉट्स में आप देख सकते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसको 2014 में सम्मिलित किया गया था, इस पर वीडियो बनाएंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है उस पर, और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन जीव अभ्यारण्य को भी हमने इस सीरीज़ में सम्मिलित करेंगे। उसके बाद नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित करेंगे। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पर एक वीडियो रहेगा और पश्चिमी घाट पर एक वीडियो हमारा पूरा बनेगा। तो ये जो हमारे भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हमने बताई है, यहाँ पर नाम डिस्कस किए, इन पर सभी पर एक सीरीज, एक के बाद एक, एक के बाद एक वीडियो आएंगे और पूरा इंट्रोडक्शन आपको रहेगा। साथ में मैप में आप उसकी लोकेशन भी देख पाएंगे, मैं लोकेशन भी आपको बताऊंगा कि किस हेरिटेज की लोकेशन इंडिया के मैप में कहाँ पर है, जो आप देख पा रहे हैं रेड एंड ग्रीन डॉट्स में, उसको हम देखेंगे टॉपिक वाइज प्रत्येक वीडियो में। तो दोस्तों, ये था पहला वीडियो जो परिचय सीरीज था। इसमें इंट्रोडक्शन में हमने टॉपिक को बताया कि कौन कौन से टॉपिक शामिल रहेंगे, और ये आपको सीरीज में अगर आप देखना चाहें या इसमें कुछ चेंजेस हो
या आप कुछ और सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट्स कीजिए, तो मैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में उनको सम्मिलित करूँगा। और ये सीरीज़ हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, 1-2 दिन में, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।